हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो ठीक है आप लोग, तो आज हम लोग एक पड़ाव पार की हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ये फिजिक्स के सीबीएसई सिलेबस का 12वीं क्लास के लिए दूसरा चैप्टर है। और हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो 30 ये जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, इनके बारे में आप पहले से भी सुनते आए हैं जरूर। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पोटेंशियल्स, हाँ पोटेंशियल भी आप 10th क्लास में कुछ नाम ऐसे सुनते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको जो की क्वांटिटीज हैं, जो टर्म्स हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट को। ये यूँ कहें कि फिजिक्स की पूरी आत्मा को ही वो कवर करते हैं। सो दीज आर की क्वांटिटीज, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी एट्सेट्रा। सो आज हम लोग देखेंगे इनके बारे में। तो पहले उस इस चैप्टर के जो कंटेंट तो है ही है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल से ही शुरुआत इसकी है, लेकिन हम वर्क और एनर्जी यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि क्या वर्क कब होता है, किसके किसके फोर्स के द्वारा वर्क होता है, किसके फोर्स के अगेंस्ट वर्क होता है, कब एनर्जी किस फॉर्म में चेंज होती है, क्या सिचुएशंस होती हैं, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। फिर भी एक रिकैप हम लेंगे उधर कि ये एनर्जी कन्वर्जेंस कैसे होते हैं या क्या किस कंडीशन में कब होते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत बार कहा हुआ सेंटेंस आपके सामने या बहुत पढ़ा हुआ आएगा कि व्हेन वर्क इज डन इट चेंजेस एनर्जी, इट गेट्स चेंज्ड इनटू एनर्जी। ये वर्क जो आप करते हैं ये एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो सकता है। मीन्स जब आप वर्क करते हैं तो वर्क करना क्या होता है, वर्क इट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ओके, बाय अप्लाइंग फोर्स, ओके, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट मस्ट टेक इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और कंपोनेंट ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ फोर्स मस्ट बी देयर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए, तभी इस फोर्स से तभी वर्क होता है जब इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में, ये फोर्स का कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो फिर इस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया। तो ये जरूर याद रखिए, जब वर्क होता है तो वर्क होने की क्या सिचुएशन है, ये तो तय है कि जब आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर लगा रहे हैं और वह फोर्स की डायरेक्शन में कुछ मूव कर रहा है, उसकी मोशन की डायरेक्शन में आपके फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट है, तो जानिए कि आपके फोर्स ने वर्क किया। ओके, तो वर्क हो रहा है। अब ये वर्क क्या हो रहा होगा, आप जो वर्क कर रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि आप फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चलता जा रहा है, यानी एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन में चलता जा रहा है, अब फिर भी आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, आप फोर्स लगा रहे हैं। तो एक चीज आप ये भी पढ़ें, एफ इक्वल सेम है, तो एम ए क्या, अगर फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी होगा, लेकिन ये किसके लिए है, कौन से फोर्स के लिए, ये फोर्स नेट फोर्स के लिए है। मीन्स जब नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर लग रहा होगा तो वो इसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा होगा या कम कर रहा होगा, ये हो रहा होगा, लेकिन नेट फोर्स होना चाहिए। तो अगर कांस्टेंट मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसमें नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। इस समय क्या हो रहा होगा, ये जो रिलेशन जो अभी लिख दिया था मैंने, ये नेट फोर्स के लिए है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास ऑफ बॉडी
ओके, अ बॉडी ऑफ मास एम इज पुश्ड और पुल्ड बाय अप्लाइंग नेट फोर्स, देन इट विल एक्सेलरेट। मान लेते हैं आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने की कोशिश किया, उसको चलाने की कोशिश किया, आप शुरू थोड़ा सा अपने फोर्स लगाया, नहीं चला, अब उसको आप क्या किए, आप फोर्स और बढ़ा रहे हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जो चलना शुरू कर देगा। और वो फोर्स कौन सा है जो आपका अपोज कर रहा था, वो फ्रिक्शन है। तो जब आप फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं तो आपका फोर्स के अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होता है, डेवलप हो जाता है, जहाँ पर कॉन्टैक्ट है ग्राउंड का और ऑब्जेक्ट का जिसको आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। अगर आप अपना फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो तो उसका, जब आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो उसका फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा कॉन्टैक्ट पर। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब क्या होगा, और वो आप फोर्स बढ़ाएंगे और वहाँ से फ्रिक्शन बढ़ नहीं पाएगा, मीन्स दिस इज लिमिटिंग केस ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो दिस कॉन्टैक्ट कैन नॉट गिव राइज और कैन नॉट प्रोवाइड और कैन नॉट ऑफर फ्रिक्शन मोर देन दैट मैक्सिमम वैल्यू, एंड इफ यू इंक्रीज योर अप्लाइड फोर्स ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। तो जब मोशन स्टार्ट हो जाएगी, अब बस उतना ही मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि और फोर्स बढ़ा दिए, तो जब मोशन स्टार्ट हो गई और आप ऑब्जेक्ट चलने लगा, आप इसको पुश करते रहिए, अभी भी अब क्या हो रहा है, बस चल रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब भी फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो। पहले भी आपने फोर्स लगाया लेकिन उतना फ्रिक्शन आ गया, चलने नहीं दिया। एक सिचुएशन ऐसी आ गई जब चलने को हो गया, आपने फोर्स थोड़ा ज़्यादा कर दिया है ना उस फ्रिक्शन से, तो चलना शुरू कर दिया, जीरो वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी हो गई, तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए नेट फोर्स रहा होगा, लेकिन जब चलना शुरू कर दिया आपने फोर्स अपना वापस थोड़ा सा कम कर लिया, और ये चल रहा है ऑब्जेक्ट तो चलता ही रह रहा है, उस समय नेट फोर्स ज़ीरो है। तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हैं, फोर्स बढ़ा रहे हैं, एक सिचुएशन ऐसी आई जहाँ वो चलना शुरू कर दिया, तो पर्टिकुलर उस इंस्टेंट पर जब वो चलना शुरू कर रहा है, उस टाइम आपका फोर्स फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, उस समय वेलोसिटी में चेंज होता है, जीरो वेलोसिटी से थोड़ी सी वेलोसिटी होती है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर आप अपना फोर्स थोड़ा सा कम कर ले और वो चलता हुआ चलता ही रहेगा, फिर तब भी फोर्स ज़ीरो था, नेट फोर्स ज़ीरो है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अप्लाई जो किया है वो फोर्स ज़ीरो है, हाँ ऑब्जेक्ट पर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट है, और आपने जो फोर्स यहाँ अप्लाई किया है, अप्लाइड फोर्स, ये फ्रिक्शन इधर की ओर फ्रिक्शन जो आ रहा है उससे कैंसिल होता जा रहा है, ये बढ़ा दें ये भी बढ़ जा रहा है फ्रिक्शन, और जब ये ओवरकम गया, इतना बढ़ाते गए तो इसकी एक लिमिट है, फ्रिक्शन ऑफर करने की एक लिमिट है, इससे ज़्यादा ये फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं ले सकता। उस समय क्या किए, ये भी चलना शुरू कर दिया, यानी बढ़ाते गए आप तो चलाने तक न बढ़ाते गए फोर्स को, तो चलना स्टार्ट कर दिया। उस समय केवल चलते रहने के लिए आपको अपना फोर्स थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहे, क्योंकि जीरो वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी देने में थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स आपने दिया होगा, तभी जीरो वेलोसिटी से वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पर तो ये चलना शुरू कर दिया, और जब ये स्टार्ट कर दिया चलना, तो अभी बस आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, अप्लाई कर रहे हैं फिर भी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, फोर्स तो अप्लाई किए हुए हैं, ये आपका फोर्स ज़ीरो नहीं है। अगर एक कांस्टेंट मोशन में है तो आपका फोर्स ज़ीरो नहीं है, लेकिन बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो है, इस बॉडी पर इधर से फोर्स नेट फोर्स ज़ीरो है, ये रुका हुआ है तब भी नेट फोर्स ज़ीरो है, ये कांस्टेंट मोशन में से जा रहा है तो भी नेट फोर्स ज़ीरो है। यही है कि जितने फोर्सेस पर लग रहे हैं, जितने फोर्सेस उस बॉडी पर काम कर रहे हैं वो क्या है, वो सभी का रिजल्टेंट क्या हुआ, ज़ीरो है, बस यही डिफरेंस है। तो एक ये हो गया, और
अगली सिचुएशन क्या है, आप फोर्स लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका फोर्स लग रहा है, भले नेट फोर्स बॉडी पर नेट फोर्स भले ही जीरो है लेकिन आपका फोर्स जीरो नहीं है, आपके फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो आप वर्क कर रहे हैं, और आप वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। ओके, सो इफ यू आर डूइंग वर्क और डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन योर डायरेक्शन, यू विल स्पेंडिंग योर एनर्जी। ओके, सो पॉइंट वन हियर, इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन थिंग, अप्लाइंग फोर्स एंड displacement is taking place in the direction of your force, then you will be doing work. This work is positive for you, for your force. Then what is happening? Direction of your force. Then you are doing work on the object. और वर्क इज पॉजिटिव फॉर योर फोर्स, वर्क इज पॉजिटिव फॉर योर फोर्स। ओके, डेफिनेटली यू विल बी spending your energy. आज मैंने पहले ही कहा था कि आज केवल मैं इस वीडियो में एनर्जी, वर्क और इनके कन्वर्जन की बात करेंगे, क्योंकि ये चीजें आगे जितने चैप्टर्स हैं, या आप यूं कहें कि जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं, इन चीज़ों की इनके क्लैरिफिकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। सो यू मस्ट बी प्रिसाइज इन दिस सेंस, व्हाट इज वर्क, इन व्हाट वे वर्क इज पॉजिटिव, हु इज डूइंग वर्क, वर्क इज बीइंग डन ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज चेंज इन एनर्जी, इट इज पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज, इन व्हाट कंडीशन दिस वर्क विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, और इन व्हाट कंडीशन दिस वर्क विल चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज और इंक्रीज इन व्हाट कंडीशन। सो कंजर्वेशन ऑफ दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव एट्सेट्रा, तो इन चीज़ों पर आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि हम आगे जो भी पढ़ेंगे कन्वर्जन समझ में आता रहेगा। तो इसलिए हम इस पर बात करेंगे। ये चीज़ें बार बार रिपीट किए जाने की हैं, हर कंडीशन में, हर स्टेप पर रिपीट किए जाने की है, ठीक है। तो जब भी आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे 10th में पढ़ रहे हैं, या 11th में हैं, या 12th में हैं, इन डिस्टिंक्शंस की और प्रिसीजन की जरूरत जरूर पड़ती है, तो ये होना चाहिए, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। तो आइए अगेन, इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स, ओके, देन यू आर डूइंग वर्क, या यू आर डूइंग वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, या वर्क इज पॉजिटिव फॉर योर फोर्स because displacement is taking place in the direction of your force, you will be spending energy. If work is positive for you or for your force, then certainly you will be spending energy. तो आपने अपनी एनर्जी खर्च कर लिया, इतना तो तय है। चाहे याद रखिए, ये करने में आपके फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप वर्क कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, ये तो तय है। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है,
कि आपने जो वर्क किया वो आगे ऑब्जेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, क्या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, हो सकता है तब भी आप वर्क कर ही रहे हैं, या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है तब भी आप वर्क कर ही रहे हैं, या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम भी हो रही है, आपके फोर्स की डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है ना, वेलोसिटी भले कम हो रही है, उधर ही चल रहा है, स्लो हो रहा है, आप फोर्स लगाए जा रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप क्या कर रहे हैं, वर्क आप कर रहे हैं। आपने कितना फोर्स लगाया है, उस फोर्स के अंडर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वही आपका वर्क है, वही आपने एनर्जी खर्च किया है। आपने जो एनर्जी खर्च किया है वो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, या दोनों बढ़ रही हैं, या एक बढ़ रही है कम भी हो रहा है, या ऐसा भी हो रहा है कि जो आप वर्क कर रहे हैं वो हीट एनर्जी में बदल रहा है, या कुछ हीट में बदल रहा है, कुछ काइनेटिक में बदल रहा है, कुछ पोटेंशियल में बदल रहा है, इसमें से तीनों में से कोई घट रहा है, कोई बढ़ रहा है, क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए उसके ऊपर, लेकिन एक बात तय है कि आपने जो फोर्स लगाया, आपके फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एनर्जी आपने खर्च किया। सो आपका वर्क इस पर डिपेंड नहीं करता कि चेंज किस फॉर्म में हो रहा है, आपका वर्क इस पर डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कितना लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स अगर लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका वर्क आ जाता है, आपने कितना वर्क किया और जितना वर्क किया आपने उतनी ही एनर्जी खर्च किया। आपने 1000 जूल वर्क कर लिया तो आपने 1000 जूल एनर्जी अपनी खर्च कर लिया। सो योर स्पेंड एनर्जी इट डज वर्क, एंड If you are doing work, your energy is being transferred to other body. So work is the way in which energy is transferred from one body to other body. So it may be there. Applied force may be changing with time or position to position, or you have to apply force with different magnitude depending on situation. जैसे आप किसी चीज़ को आप पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो कहीं स्मूथ सरफेस है तो आप चाह रहे हैं कि कांस्टेंट मोशन में जाए, ये चाह रहे हैं, तो अगर रफ सरफेस है तो आप ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं वहीं पर, जहाँ थोड़ा स्मूथ आ गया फिर वहाँ थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा और स्मूथ आ गया थोड़ा और कम फोर्स हो गया, तो इसका मतलब आप अप्लाइड फोर्स चेंज भी कर रहे हैं, अगर हो सकता है, अगर ऐसा जरूरत पड़ रही है तो कर रहे हैं, क्योंकि जनरली आप चाह रहे हैं कि एक जैसा मोशन हो। तो ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कांस्टेंट मोशन मेंटेन करने के लिए। कम फ्रिक्शन अगर वो सरफेस ऑफर कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आपको कम ही फोर्स में काम हो जा रहा है, वो चल दे रहा है, कम ही फोर्स लगाने पर वो चल दे रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर ले रहा है, तो ये होगा। तो हर हाल में क्या होगा, फोर्स अगर पोजीशन के साथ बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग फोर्स दिख रहा है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा ऐसा है, इस तरह का है, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग फोर्स है, तो कहीं स्मूथ सरफेस है, कहीं कुछ सरफेस है, तो आप क्या कर रहे हैं, तब यहाँ पर वर्क कितना कुल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, आप पूरा तरह 11th क्लास में पढ़ लिए हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन से ले करके इस पोजीशन तक जाने में, यहाँ तक जाने में, X2 तक जाने में कुल वर्क कितना हुआ, कुल वर्क कितना हुआ, ये दिस कैन बी फाउंड आउट बाय कैलकुलेटिंग दिस एरिया इन यूनिट्स ऑफ वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दिस एरिया गिव्स वर्क, सो यू आर पुशिंग ऑब्जेक्ट, अगेन आई एम सेइंग यू आर पुशिंग ऑब्जेक्ट और पुलिंग ऑब्जेक्ट, then you are doing work, displacement is taking place in the direction of your force, then you are doing work, you are spending your energy, okay, your applied force, it may be changing due to certain reasons, but overall your work done on the object can be calculated by this method, this is transferred to the object. तो आपने जो वर्क किया, आपने जो वर्क किया वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र हो गया, और ये ट्रांसफ़र होगा तो फिर बता दे रहे हैं क्या क्या किस फॉर्म में जाएगा, या तो अकेले उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, अभी बताया, या केवल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकती है,
या टोटल का टोटल हीट में ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़े ना काइनेटिक एनर्जी बढ़े, पूरा का पूरा हीट में बदल जाए, या इसमें से कोई दो चेंज हो एक कांस्टेंट रहे, कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, हीट के फॉर्म में भी चेंज हो रहा है, कुछ निकल जा रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा, जो आपने टोटल वर्क किया, टोटल वर्क डन बाय यू ओके इज व्हाट इट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी गिवन बाय यू। और आपने ही पूरा वर्क किया है तो पूरा का पूरा एनर्जी आपने दिया है, वो एनर्जी किस किस रूप में है, किस किस फॉर्म में वहां पर दिख रही है, वो एनर्जी क्या हो सकती है ओके सो एनर्जी गिवन टू ऑब्जेक्ट या बॉडी में चेंज किस में हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये काइनेटिक एनर्जी में बदल जाए, ये पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाए, ये हीट एनर्जी में बदल जाए, यानी रेडिएशन बदल जाए, हीट एनर्जी यानी रेडिएशन बदल जाए, तो ये हो सकता है रेडिएशन में चेंज। तो काइनेटिक पोटेंशियल, मैकेनिकल और रेडिएशन एनर्जी के दो तरह के फॉर्म आप जानते हैं, तो काइनेटिक पोटेंशियल और रेडिएशन किसी में बदल सकता। अब इसमें क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मोशन में चल रहा है ना, भले वो मुड़ भी रहा है तो भी कांस्टेंट मोशन में चल रहा है, तो ये तो नहीं बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नहीं चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। और पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है कि उसमें चेंज हो रहा हो, या हीट में बदल रहा हो, या दो में बदल रहा हो, एक में बदल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है। तो हमने जो देखना है ये इन सिचुएशंस के बारे में, जब देखना है अगर हम कह रहे हैं कि अगर कांस्टेंट मोशन में चल रहा है, ये तय है, स्लो मोशन और कांस्टेंट है, जैसे हमने पुश किया ऑब्जेक्ट को, चलना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत ही स्लो बस चला रहे हैं, डिस्प्लेस करा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है। तो ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट मोशन में है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड थिंग, इफ ऑब्जेक्ट बीइंग pushed or pulled moves with constant speed the kinetic energy remains unchanged काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड हियर देन व्हाट विल हैपन इट मींस वर्क डन बाय यू इट मे चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट एनर्जी यू मे चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी और हीट और इन बोथ पोटेंशियल एनर्जी और हीट और इन बोथ ओके दोनों हो सकता तो एक सी। अब ये हम सिचुएशन और हटा दें कि मान लेते हैं कुछ ऐसा कर दें, हीट एनर्जी में कब चेंज होता है, जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट जाना होता है, जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट जाना होता है, जब किसी फोर्स के अगेंस्ट जाना होता है। अब तो तय है कि अगर आपको मूव कराना ही है
और फोर्स लगाना पड़ रहा है तो कोई ना कोई फोर्स अपोज कर रहा है तभी ऐसा है। अरे कॉन्स्टेंट मोशन में है और फोर्स लगाना पड़ रहा है तो कोई ना कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तभी तभी यूनिफॉर्म मोशन में भी चल रहा है और फोर्स लगाना भी पड़ रहा है, यानी अपोजिट में कोई फोर्स है। अब भी नेट फोर्स जीरो है, ठीक, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सोचिए कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट मोशन में चल रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स जरूर है। और ये फोर्स क्या है, कोई हो सकता है, फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग का फोर्स हो सकता है, कोई फोर्स हो सकता है, वो चार्ज का फोर्स हो सकता है जिसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं, मैग्नेट का फोर्स हो सकता है, तो फोर्स है जिसके अपोजिट आप जा रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये चीज़ें हो गई। अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं इसी पर, पॉइंट्स को याद रखिए, जब बार बार आप वीडियो वापस करके देख लीजिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स में कह रहे हैं। मुझे जो संभावनाएं जहां तक मुझे सेंटेंस तक पहुंच हो रही है मैं आपको वो चीजें जरूर कह दे रहा हूं। तो अभी थर्ड क्या है, इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, अगेन मोशन इज यूनिफॉर्म एंड फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय यू एंड फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय यू बीइंग अप्लाइड बाय यू ओके, मोशन यूनिफॉर्म है और आप फोर्स लगा रहे हैं, यानी आपने फोर्स लगाया, आप फोर्स लगाए जा रहे हैं, तब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, स्टिल नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो ओके, बट स्टिल नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब भी जब आपने फोर्स लगाया हुआ फिर भी नेट फोर्स जीरो है तो कोई ना कोई फोर्स अपोजिट होगा ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर फोर्स की बात कर रहे हैं, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है ऐसे और इधर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो कोई ना कोई फोर्स तो कहीं होगा ना जो इसके अपोजिट होगा, एफ अपोजिट, या कई फोर्सेस होंगे, कई फोर्स मिला करके अपोज कर रहे होंगे आपका तो होगा, लेकिन नेट फोर्स जीरो है। तो ये फोर्स कैसा हो सकता है जो लग रहा है, जैसे हम जमीन पर लेके इसको पुश कर रहे हैं तो वो फोर्स कौन सा, फ्रिक्शन है जो अपोज कर रहा है, या हम कोई ऐसा ये स्प्रिंग है और एक ब्लॉक ऐसे अटैच्ड है और आप एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं एफ अप्लाइड और यूनिफॉर्म मोशन में इसको बस मूव कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म, हम इसलिए यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो ही रहे ताकि हमें अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट कौन सा फोर्स है जानने में थोड़ा सा सुविधा हो, थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, आसानी से हम समझ सकें कि कोई ना कोई और फोर्स है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो फिर क्या हो जाएगा, तो यही होगा कि नहीं नेट फोर्स लग रहा है वो हमारा भी हो सकता है, किसका भी हो सकता है, पता नहीं चलेगा। लेकिन कम से कम अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो ये तो आएगा ना कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब हमारे फोर्स के इक्वल कुल मिलाकर अपोजिट फोर्स कहीं ना कहीं है जरूर, तो वो फोर्स कौन सा है पहचानने में हेल्प मिलेगी। तो ये फोर्स जैसे हम इसको यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं तो आप जानते हैं स्प्रिंग सभी लोग खींचे होंगे, थोड़ा मोड़ा रबर सभी लोग खींचे होंगे, तो रबर ऐसे लेके रबर में कुछ कोई ऐसे कोई स्टोन वगैरह बांध दीजिए, कोई ब्लॉक बांध दीजिए, उसको ऐसे खींचिए यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली ऐसे ले जाइए तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, इवन फोर्स बढ़ाना भी पड़ेगा, जितना जितना स्प्रिंग का फोर्स बढ़ेगा ना उतना ही आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा, लेकिन हर हाल में आपका फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स इक्वल होगा अगर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है और वो आपस में अपोजिट भी होंगे। तो ये अप्लाइड फोर्स इधर है फिर भी ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है ये अप्लाइड फोर्स, तो सर्टेनली कोई ना कोई अपोजिट फोर्स ऐसे एफ अपोजिट, तभी ये आप फोर्स लगा भी रहे तो भी यूनिफॉर्म मोशन में ये चलता जा रहा है।
इसके बाद तो यही कह रहे ना, इफ मोशन इज यूनिफॉर्म एंड फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय यू बट स्टिल नेट फोर्स इज जीरो ऑन द ऑब्जेक्ट, स्टिल नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मोशन. तो व्हाट इज हैपनिंग, सर्टेनली सम फोर्स और फोर्सेस देन सर्टेनली सम फोर्सेस विल बी एक्टिंग अप्लाइड फोर्स ओके विच बैलेंस द अप्लाइड फोर्स ओके नेट फोर्स. सो ये बैलेंस रहता है अप्लाइड फोर्स. देन व्हाट है और ये फोर्स क्या हो सकता है, ये फोर्स जनरल जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ये फोर्स क्या हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है कोई स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, कोई विस्कोसिटी वाला फोर्स हो सकता है, किसी ग्रेविटेशनल फोर्स कोई हो सकता है, किसी तरह का चार्ज का फोर्स हो सकता है, यही फोर्स हो सकते हैं ना. तो ये अपोजिट फोर्सेस क्या हो सकते हैं, दीज अपोजिट फोर्स और फोर्सेस दीज अपोजिट फोर्स फोर्सेस और फोर्स क्या हो सकते हैं, मे बी व्हाट क्या हो सकता है, ये ग्रेविटेशनल हो सकता है ओके, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है फ्रिक्शन विस्कोसिटी ऐसे एटसेट्रा, ये मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी हो सकते हैं, ये फोर्स हो सकते हैं तभी है. अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और कोई अपोजिट में फोर्स नहीं ऑब्जेक्ट पर है तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. नेट फोर्स होगा तो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और आपका ही अप्लाइड फोर्स है तो केवल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो ये पॉइंट भी हम आते हैं. नेक्स्ट फोर्थ, यू आर अप्लाइंग फोर्स ओके बट नो देर इज नो फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड यूर अप्लाइड फोर्स इज नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ओके. यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट to move it and there is no opposite force okay or other force so your force is net force on the object okay then your force is net force on the object okay so aapne jo force lagaya wahi net force hua wo fir tab kya hoga to kewal aur kewal काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, कोई और फोर्स नहीं है तो जान लीजिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, आपने जो वर्क किया वो पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की बात हम कर रहे हैं यही. देन
देन योर डन वर्क, ओके, आपने जो वर्क किया टोटली चेंजेस चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया, आपने जो फोर्स लगाया, किसी ने लगाया, वो हम आपको इसलिए रेफरेंस दे रहे हैं कि आपसे इसको रिलेट कर सके। तो आप जब भी आपने फोर्स लगाया, वो नेट फोर्स है, यानी किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स है, और कोई फोर्स नहीं है जो अपोज करने वाला, यानी नेट फोर्स है। कई फोर्सेस को मिला के भी नेट फोर्स हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही बॉडी पर दो तीन लोग फोर्स लगाएं, एक ही ड्रेस में लगाएं तो क्या हो जाएगा, वो नेट फोर्स होगा ना। तो अगर वो नेट फोर्स है तो जो भी वर्क हो रहा है, बिल्कुल फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप सर्टेनली वर्क कर रहे हैं, और ये वर्क काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जा रहा है, बदल रहा है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम देखें आप, ये वर्क एनर्जी थ्योरम आप पढ़ के आए, ओके, इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। और यही चीज है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत पॉपुलर, आप बहुत बार इसको पढ़े होंगे, ऐसा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई हीट में नहीं बदल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, और आप फोर्स लगा रहे हैं, तो पक्का कोई ना कोई फोर्स है, तो पहले ही बता रहे हैं। तो जो आप यूनिफॉर्म मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है, ये तो ही है, मोशन यूनिफॉर्म है। तो अभी लिखा था मैंने कहीं, ऑब्जेक्ट बींग पुश्ड और पुल्ड मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड, ये रिटर्न, ये कॉन्स्टेंट स्पीड लिखा हुआ है, देन द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, वो तो काइनेटिक एनर्जी उसकी नहीं चेंज होती है। इट मीन्स वर्क डन बाई यू, ओके, इट इज रिटन हियर, वर्क डन बाई यू मे चेंज इन टू पोटेंशियल एनर्जी और हीट और इन बोथ, सब में हो सकता है। तो अब यूनिफॉर्म मोशन आ जाता है फिर वही, कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कि नहीं, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बदल रही है, और ये मान लीजिए कि हीट में भी नहीं बदल रहा है, तो अब क्या बचा? आप यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, आप फोर्स लगा रहे हैं, कोई ना कोई अपोजिट फोर्स होगा, लेकिन हीट में नहीं बदल रहा है। हीट में तब बदलता जब फोर्स विस्कोसिटी होती और फ्रिक्शन होता, इनको डिसिपेटिव फोर्सेस कहते हैं, जिनसे ये, इनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हीट के फॉर्म बदल जाता, तो ये भी पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के बाद देखिए, फाइव पॉइंट फाइव, सो वर्क इफ देयर इज फ्रिक्शन और विस्कोसिटी, देन सर्टेनली वर्क डन बाय यू इज पार्टली चेंजेस इनटू हीट, अगर पोटेंशियल एनर्जी में नहीं बदल रहा है तो भी हीट में बदल रहा है, ठीक है। सो योर वर्क डन, वर्क डन चेंजेस इनटू हीट पार्टली और कंप्लीटली, पार्टली आर कंप्लीटली, इफ एंड ओनली देयर इज प्रेजेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस like friction and viscosity,
फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द मोशन। तो क्या हो रहा होगा, ऐसा होगा, हो सकता है कि ये भी हो, विस्कोसिटी वाले फोर्स भी हो और कोई और फोर्स हो, कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और कुछ एनर्जी हीट बदल रही है। लेकिन अगर ये अब्सेंट होंगे फ्रिक्शन और विस्कोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा ऑब्जेक्ट, तो जो टोटल वर्क है वो किस में चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। ओके, सो चलिए यहाँ पर फिर अगला पॉइंट भी देखते हैं। सिक्स, और ये क्या होगा, अगर मोशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है और डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है कहीं, ठीक है, इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, ओके, मोशन इज यूनिफॉर्म और विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, देन व्हाट इज हैपनिंग देयर, एंड देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स एंड देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स अगेंस्ट योर मोशन, अगेंस्ट द मोशन। और आप अभी फोर्स लगा रहे हैं, अब भी आप फोर्स लगा रहे हैं, तो मोशन क्या यूनिफॉर्म है और रिसिपरोकल फोर्स नहीं है, बट यू आर अप्लाइंग फोर्स स्टिल, ओके, बट स्टिल यू नीड टू अप्लाई which force, apply a force to maintain constant motion। अगर ऐसा है तो, अगर आप constant motion maintain करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये force लगाना पड़ रहा है, तो और क्या होगा, तो इसमें यही हो रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर है जो आपके फोर्स को अपोज कर रहा है, लेकिन वो डिसिपेटिव नहीं है। देन देयर इज सर्टेनली सम फोर्स लाइक, क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हैं, है ना, मैग्नेटिक फोर्स भी उसी कैटेगरी में आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसा हो सकता है एटसेट्रा, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये फोर्स हो सकते हैं, क्योंकि मोशन कांस्टेंट है, आप फोर्स लगा रहे हैं, तो अपोजिट में कोई ना कोई फोर्स तो होगा, तो जरूर है एटसेट्रा, अपोजिट टू द मोशन, ठीक है, ऐसा होगा तब भी तो आपका, यानी कहने का मतलब क्या है, अब हीट में या काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदल रहा है, तो जो आप वर्क कर रहे हैं, वर्क तो कर ही रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं तो हीट और काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदल रहा है। इन दिस सिचुएशन, ओके, इन दिस कंडीशन यू आर डूइंग वर्क अगेन, इन दिस कंडीशन
ओके, यू आर डूइंग वर्क, यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फोर्सेस एंड स्टिल स्पेंडिंग एनर्जी, स्पेंडिंग योर एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, इक्वल टू वर्क डन. ओके, आप जितना वर्क कर रहे हैं उस वर्क के इक्वल एनर्जी अभी आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी क्या बोले हैं, कॉन्स्टेंट मोशन है, हीट के फॉर्म में नहीं निकल रहा है, दो चीज हो रही. तो फिर क्या होगा, तो ये एनर्जी आपकी किस में बदल रही होगी, सर्टेनली पोटेंशियल एनर्जी बदल रही होगी. ठीक है, तो अब भी ये हो रहा है, दिस एनर्जी इज नॉट चेंजिंग, दिस एनर्जी विल नॉट बी चेंजिंग, नॉट बी चेंजिंग, दिस एनर्जी विल नॉट बी चेंजिंग इंटू हीट एंड काइनेटिक एनर्जी, हीट एंड काइनेटिक एनर्जी. ओके, इन एनी वे, ओके, दिस बट इट इज कंप्लीटली चेंजिंग, इट इज चेंजिंग कंप्लीटली इंटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, पोटेंशियल एनर्जी. तो ऐसा हो, या इसको स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं, दैट इज गेट्स स्टोर्ड, गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी किसका, ऑफ द बॉडी और सिस्टम. अब सिस्टम क्या हो गया, बॉडी या सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम यानी जिसको आप पुश कर रहे हैं बॉडी को, ठीक, वो और जो हमारे फोर्स के अपोजिट फोर्स लगा रहा है उसको मिला करके. तो बॉडी और अपोजिट फोर्स लगाने वाला जो एजेंसी है वो दोनों मिला क्या बनते हैं, सिस्टम बनते हैं. ठीक है, सिस्टम, तो सिस्टम क्या है, इट इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां पर हम सिस्टम नोट करके लिख देते हैं. ठीक है, जैसे हम यहां पर लिख देते हैं नोट, क्या है सिस्टम, क्या है सिस्टम, वही है, इट इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी बीइंग मूव्ड, जिसको आप मूव कर रहे हैं वो है, एंड द एजेंसी, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी बीइंग मूव्ड एंड व्हाट एजेंसी विच अप्लाइज फोर्स अगेंस्ट योर फोर्स, अगेंस्ट योर फोर्स और मोशन. ठीक है, तो ये चीज योर फोर्स एंड मोशन,
ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट जो पॉइंट लिखा है यहाँ से यहाँ तक, कौन सा सिक्स्थ पॉइंट, इस जो चैप्टर में पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस चैप्टर में हम इन्हीं का यूज़ कर रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं, ये हम मान के चल रहे हैं कि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, ऐसा मूव कर रहे हैं। तो जो आप वर्क कर रहे हैं वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है सिस्टम की एनर्जी। और सिस्टम क्या है, जिसको आप मूव कर रहे हैं और जो आपके मोशन के अपोजिट फोर्स लगा रहा है। फिर याद दिला दें, आपने फोर्स लगाया या आप फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स जीरो बॉडी पर है, तो सर्टेनली कोई ना कोई और फोर्स जरूर लगा रहा है जो आपके फोर्स के अपोजिट है, या कई और फोर्स हैं जो आपके अपोजिट लग रहे हैं तो आपके अपोजिट है, तो कोई ना कोई तो जो दूसरा है ना जो उस बॉडी पर फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे एक चार्ज ही ले आ रहे हैं, एक छोटा चार्ज लेके आ रहे हैं, उधर से कोई और दूसरा चार्ज है जो इस चार्ज को पुश कर रहा है। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये सिक्स्थ पॉइंट, सारे पॉइंट्स जो आज बताए इसीलिए बता रहे हैं कि इनका हमें बहुत काम आने वाला है, यही नहीं मुझे आपको बहुत काम आने वाला है, हर स्टेप पर आपको जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज आप मूव करा रहे हैं कहीं ऐसे, ठीक है ना, ये चार्ज क्यू ऐसा है, तो ये इधर की ओर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से वी से, और आप फोर्स लगा रहे हैं, बिना फोर्स के नहीं चल रहा है ये, बिना फोर्स लगाए नहीं चल रहा है, तो आप फोर्स लगा रहे हैं और नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स यहां पर क्या है, जीरो, नेट फोर्स इक्वल्स जीरो। तो फिर क्या हो रहा है, तो कोई और फोर्स होगा जो अपोजिट होगा ना, तो इस पर अपोजिट फोर्स कोई ना कोई होगा, एफ अपोजिट। तो चार्ज पर अपोजिट फोर्स कौन लगा रहा होगा, कोई दूसरा चार्ज, यही तो हो सकता है ना। एक चार्ज को आप मूव करा रहे हैं ऐसे, आप फोर्स अप्लाई करके, और ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, ठीक, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक। तो आपने फोर्स लगाया, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, नेट फोर्स जीरो कहा जाएगा, सर्टेनली कोई अपोजिट फोर्स है, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, आर फोर्स ऑफ द सिस्टम। अब इस सिस्टम कौन सा है, किसका फोर्स, सिस्टम कौन सा, ये जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हैं ना वो चार्ज, इस पर अपोजिट जो फोर्स लगाने वाला है कौन, कोई दूसरा हो सकता है, ये मान लेते हैं, और कोई चार्ज है क्यों। तो इसका अब जैसा ये नेचर का वैसा नेचर का ये है, तभी तो रिपल कर रहा है, तो अपोजिट फोर्स लगा रहा है, तो अपोजिट फोर्स इधर लग रहा है, तो ये एजेंसी कौन सी है, ये कौन सी एजेंसी है जो फोर्स लगा रही है, एजेंसी विच, यानी एजेंसी क्या है, ये चार्ज है, ठीक है, ये भी चार्ज है, एजेंसी विच अप्लाइज आर ऑफर्स अपोजिट फोर्स, यही तो लगा रहा है अपोजिट फोर्स, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो इसी ने इस पर इधर फोर्स लगाया है हमारे फोर्स के अपोजिट, ठीक है, हम चलाने के लिए उस फोर्स के अपोजिट अपना फोर्स लगा रहे हैं। अगर इसका यहाँ पर फोर्स अपोजिट वाला फोर्स अगर बढ़ रहा है तो हम भी अपना फोर्स बढ़ा दे रहे हैं ताकि यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहे, जो इसका फोर्स है हमारे फोर्स से कैंसिल होता रहे, इक्वल हमेशा बना रहे, तब ये चल रहा है तो चलता रहेगा, नेट फोर्स इस पर जीरो रहेगा, है कि नहीं, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये तब सिस्टम क्या बना, ये एजेंसी इस पर अपोजिट फोर्स लगा रही है, इसको हम चला रहे हैं, तो जो ये चार्ज है दिख रहे हैं ना, ये वाला जो ये दोनों मिला क्या, ठीक है, क्या बना, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, यही तो है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो यही सिस्टम है, इस सिस्टम का ही फोर्स इधर की ओर है जो हमें अपोज करना पड़ रहा है, हमें लगाना पड़ रहा है ना, इस सिस्टम का फोर्स इस चार्ज पर इधर ही है, तो हमें अपना फोर्स लगा कर उसको चलाना चल पड़ रहा है, अगर हम चलाना चाह रहे हैं तो, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, वही सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है,
मोशन को कांस्टेंट ही रख रहे हैं। अप्लाइड फोर्स इतना है कि बस इस फोर्स को, अपोजिट फोर्स को, चार्ज के फोर्स को कैंसिल कर सकता है, बस ज़्यादा नहीं है। इसलिए मोशन क्या है, कांस्टेंट है। तो जब मोशन कांस्टेंट है, अप्लाइड फोर्स हमारा उसके इक्वल है, और नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है, कोई डिसिपेटिव फोर्स और नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी, मोशन कांस्टेंट है ना, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन विस्कोसिटी नहीं है, तो नेट हीट के फॉर्म में नहीं बदल रहा है। तो नेट फोर्स जीरो, नो हीट कन्वर्जन, नो काइनेटिक एनर्जी चेंज, देन सर्टेनली यू आर अप्लाइंग फोर्स, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सर्टेनली यू आर डूइंग वर्क, यू आर स्पेंडिंग एनर्जी। तो जो आपने इस एनर्जी स्पेंड किया है, ना करंटिंग बदल रहा है, ना हीट बदल रहा है, तो आपने जो एनर्जी स्पेंड किया है वो स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो ये चीज़, ये वाली चीज़ हम लेके आप चलें। थोड़ा सा भी और एक दो स्टेप और बताते हैं, ठीक है, तो ठीक रहेगा। तो आते हैं, तो ये सिस्टम, तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सिस्टम, यही ना है, वर्क डन बाय यू, वर्क डन बाय यू, ठीक, कहाँ पर, अगेंस्ट किसके पूछ गए हैं आप, सिस्टम के फोर्स के, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सिस्टम, फोर्स ऑफ सिस्टम, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी पे चेंज जीरो मान के चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन जानबूझ के ले आ रहे हैं, ठीक है। वर्क डन बाय यू अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सिस्टम, ओके, दिस इज इंक्रीज और चेंज, इंक्रीज और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। ऐसा एक चीज और कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी अकेले किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता, सिंगल आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट डजंट पोजिस एनी पोटेंशियल एनर्जी। अब सोचिए, हम वर्क ये फोर्स इस पर लगा रहे होते, है ना, फोर्स पर लगा रहे होते, अपोजिट में कोई फोर्स लगाने वाला नहीं होता, जैसे ये है ना, ये नहीं होता, तो हम बस पर फोर्स लगा रहे होते, इस पर और कोई अपोजिट फोर्स नहीं आता ना, तो जब अपोजिट फोर्स नहीं आता तो क्या होता, अपोजिट फोर्स नहीं आता तो जो हम वर्क करते ना, जो फोर्स लगाते ना, वो नेट फोर्स होता। फिर से बता दे रहे हैं, अगर ये नहीं होता, जो अपोजिट फोर्स लगा रहा है वो नहीं होता, तो हम जो फोर्स लगाते इस ऑब्जेक्ट पर वो नेट फोर्स होता, वो क्या करता, उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती, जो हम वर्क करते वो पूरा पूरा काइनेटिक बदलता, पोटेंशियल में तो नहीं बदलता। तो जब ये नहीं है, अकेले है, ये वाला अकेले है, तो जो हम फोर्स लगा के इसको मूव करा रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी होती, इसी की होती, इस चार्ज की, है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती। तो काइनेटिक एनर्जी आप सिंगल ऑब्जेक्ट की हो सकती है, ये इसके न रहने पर ऐसा हुआ, ये रहता तो भी अगर हम ज़्यादा अपोजिट फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा देते ना, तो इसकी स्पीड बढ़ती, ये रहता भी, अपोजिट फोर्स लगाता भी, तो हम अपोजिट फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा देते तो इसकी स्पीड बढ़ती। हालांकि हमें कुछ फोर्स, कुछ वर्क इसके भी अगेंस्ट करना पड़ता, और एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं वो भी करना पड़ता, तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता, तब भी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही स्टोर होती, लेकिन जो हमने कुछ ज़्यादा फोर्स लगा रखा है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती। तो काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, ये रहे तब भी बढ़ सकती है, ये ना रहे तब भी बढ़ सकती है, काइनेटिक एनर्जी सिंगल ऑब्जेक्ट की होती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना कब हुआ, ये तो इसके होने से हुआ ना, ये नहीं होता तो अपोजिट फोर्स नहीं होता, नेट फोर्स होता, हमारा अप्लाइड फोर्स ही नेट फोर्स होता, और ठीक है, जो हम वर्क करते हो काइनेटिक एनर्जी बदल जाता। लेकिन
इसके होने से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का होने से ही होता है, किसी दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट के होने से होता है जो इसको अपोज करे, किसको, जो मूव कर रहा है। तो मूव करने वाले को अपोज करने वाला जो भी है उसके होने से ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। वो नहीं होता तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती, फिर कांटिंग बदल जाती। तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी अकेले ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती, सिस्टम की होती है। ये क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट 7, अ सिंगल आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, अ सिंगल आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब जिस पर कोई, आइसोलेटेड उस चीज को बोलते हैं जिस पर और किसी का फोर्स ना लग रहा हो, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा हो। अ सिंगल आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट के डज नॉट पोजेस ओके एनर्जी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ओके पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा हो जाएगा। एंड यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर तभी होती है जब कोई फोर्स लगाने वाला होता है, ओके लेकिन काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, बट इट कैन पोजेस काइनेटिक एनर्जी ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी टू बी स्टोर्ड सर्टेनली देयर मस्ट बी एन एजेंसी और अ सिस्टम विच अप्लाइज फोर्स अपोजिट टू द मोशन। सो द पोटेंशियल एनर्जी टू बी स्टोर्ड, इट मीन्स टू स्टोर फोर पोटेंशियल एनर्जी देयर मस्ट बी एन एजेंसी और सिस्टम टू अप्लाई अपोजिट टू द मोशन मोशन ओके ऐसा। और ये स्टोर्ड एनर्जी इसका दोबारा और दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, स्टोर हुआ ना पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी ये फर्दर दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, 8th पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज स्टोर्ड एनर्जी ओके विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ओके और वर्क। नाउ कैन यू रीज इट, एनर्जी और वर्क हो सकता है ऐसा, ये एनर्जी के अदर फॉर्म या वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट फ्री हुआ, आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया, तो क्या होगा, तुरंत करंट जो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी, सिस्टम के फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलने लगेगा और फोर्स जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगेगा ओके। सो 9, इफ योर अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, योर अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड
अगर फोर्स लगाना छोड़ दे, हटा दे, और इसको ला चुके हैं, है ना, एक ये एजेंसी जो कह रहे थे जो फोर्स लगा रही है, एक दूसरा यहाँ पर जो ला रहे हैं, इसको हम मूव करा रहे थे इधर, कैसे, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करा रहे थे, फोर्स अप्लाई किए हुए थे, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स, ओके, एफ अप्लाइड ऐसा था, और इस पर अपोजिट फोर्स एफ अपोजिट ये था, मुझे फिर लिखना पड़ रहा है इसको, अपोजिट फोर्स था ये था, ठीक, ये दोनों मिला के सिस्टम बन रहा था, पहले बता चुके। अगर इसको रिमूव कर देते, कौन सा, ये हट जाए तो क्या होगा, अपोजिट फोर्स तो रहेगा ना, है तो रहेगा, क्योंकि ये तो चार्ज इसकी वजह से है, ये इसकी वजह से यहाँ फोर्स है तो रहेगा, तो क्या होगा, इसके अंडर में ऑब्जेक्ट क्या होगा, फिर चलना शुरू कर देगा, तब क्या होगा, वर्क जहाँ भी होगा एनर्जी खर्च होगी, यही जो हमने अभी तक इसको अपनी एनर्जी खर्च के यहाँ स्टोर किया था एनर्जी ना, अब ये खुद इसको अब इसके फोर्स के अंडर में चलने दें, तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टोर हुई थी एनर्जी ना वही खर्च करेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं वैसे भी, अब लेकिन होगी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी खर्च करेगा अपने और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, तो इंटरनल फोर्स के अंडर में या सिस्टम के फोर्स के अंडर में जब भी वर्क करने को परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक, यानी सिस्टम के फोर्स के अंडर में मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को फ्री कर दें तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर डिसिपेटिव फोर्स नहीं है तो, ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इफ योर अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, दैट इज ऑब्जेक्ट बीइंग मूव्ड बिकम्स फ्री, ओके, बिकम्स फ्री टू मूव अंडर द अपोजिट फोर्स और फोर्स ऑफ द सिस्टम, मूव अंडर द अपोजिट फोर्स और फोर्स ऑफ द सिस्टम सिस्टम या एजेंसी जिसकी बात कर रहे थे, तब क्या होगा, अब फ्री है तो वो खुद वर्क करेगा, अब वो फ्रीली मूव करेगा, देन सिस्टम लूजेस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, देन सिस्टम वर्क्स, ठीक है, यानी सिस्टम के लिए वर्क क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, वर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, अब सिस्टम के लिए वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज वर्क इज पॉजिटिव नाउ फॉर सिस्टम, ठीक है, अब सिस्टम के लिए वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये स्टोर्ड एनर्जी को ही खर्च करेगा एंड काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा, सो सिस्टम स्पेंड्स इट्स स्टोर्ड एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने वर्क किया था वही जो स्टोर हुआ, वही पोटेंशियल एनर्जी एंड अब क्या हुआ, अब नेट फोर्स है, ठीक है ना, ठीक है, अब ये नेट फोर्स है,
सिस्टम स्पेंड्स इट्स स्टोर्ड एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो टेंथ क्या है? ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव, फिर से वही बात, फ्री टू मूव अंडर द फोर्स ऑफ सिस्टम देन फोर्स ऑफ सिस्टम इज नेट फोर्स, ऑन द ऑब्जेक्ट। सो work done is equal to loss of stored or potential energy, ये तो होगा ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ऑब्जेक्ट फ्री है मूव करने के लिए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, विच विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस क्या कहता है? सीधा सा मीनिंग है कि ये क्या है, जब भी सिस्टम के फोर्स के अंडर में चलेगा ऑब्जेक्ट तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगी। अगर इक्वल है तो ये फोर्स कंजर्वेटिव भी है, ठीक है। तो इसी पॉइंट में लिखते हैं हम, 10 पॉइंट ही लिखाना चाह रहे हैं, या बोलिए 11 लिखा दें, ठीक, चलिए 11 पॉइंट लिख लेते हैं। 11, अगर इफ वर्क इज डन बाय इंटरनल फोर्स और फोर्स ऑफ द सिस्टम बाय फोर्स ऑफ द सिस्टम देन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप्स, एंड फिर से वही बात है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप्स, ठीक है। तो अगर क्या हुआ, इफ Change in, if loss in potential energy equals gain in kinetic energy, तब क्या कहेंगे, then force of system is known as conservative force, then force of the system is called conservative। ये इसको बोलते हैं conservative, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो ये है, तो जो वर्क डन, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। this work done does not depend
ऑन द पाथ टेकन, डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, बट इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस. इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये हो गया. तो अप्लाइड फोर्स के अंडर में देखिए क्या करते हैं. लेट अप्लाइड फोर्स क्या है, ये एफ ए, ठीक, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अंडर दिस फोर्स, अंडर दिस फोर्स इज डेल्टा एक्स. ऐसे लिखते हैं ना कि आप जो फोर्स अप्लाई किया वो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट उसके अंडर में हुआ. देन वर्क डन, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, बाय द अप्लाइड फोर्स डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स एफ अप्लाइड इनटू डेल्टा एक्स. ये जानते हैं, इतना तो आप खूब लिखते हैं. ठीक है, तो आइए फिर वापस एक लाइन दो लाइन और. तो अब ये क्या होगा अप्लाइड फोर्स. अब फोर्स ऑफ सिस्टम एफ सिस्टम इक्वल्स नेगेटिव ऑफ एफ अप्लाइड हो जाएगा ना. अप्लाइड फोर्स का अपोजिट है. देन इन सेम डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उधर की ओर ना, ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में है लेकिन सिस्टम के फोर्स के अपोजिट है. तो क्या बोलेंगे, सिस्टम के फोर्स के लिए वर्क क्या है, नेगेटिव है. देन इन द सेम डिस्प्लेसमेंट, इन द सेम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द सिस्टम, उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा फोर्स ऑफ द सिस्टम, जिसको हम अपोजिट फोर्स कह रहे थे बार बार, फोर्स ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स माइनस एफ सिस्टम, ठीक है, इनटू डेल्टा एक्स. अब यही वर्क क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया. जब हम सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, स्टोर हो रहा है. तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स डेल्टा यू क्या है, ये स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, इन द सिस्टम. ओके, ऐसा हो गया. तो फिर क्या होगा, देन डेल्टा यू इक्वल्स माइनस एफ सिस्टम इंटू डेल्टा एक्स, और एफ सिस्टम ये भी एक रिलेशन है, और एफ सिस्टम इक्वल्स माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. तो ये हो गया. तो बच्चों बहुत हो गया, हम सोचते हैं कि यहाँ पर इसको बंद करना चाहिए, आप भी कहेंगे बहुत भारी होता जा रहा. तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम सीधे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और जो अभी तो पोटेंशियल एनर्जी से वही रहा था, तो वही फिर हम आएंगे, है ना. बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, थैंक यू वेरी मच. आप ज़रूर वीडियो पूरा देखिए, और आपको समझ में आया तो दूसरे को रिकमेंड करिए कि ये देखें ज़रूर. और
चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, और इसके बाद अपने कमेंट्स फाइनली जरूर दीजिए कि हमें इसमें और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कोई और छूट गया या आपको अभी कुछ समझ में ऐसा है जो नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, ऑल द बेस्ट।